जब हनुमान जी ने एक वैज्ञानिक को दिखाए दिन में तारे और कैसे हुआ ये खास चमत्कार, चलिए आज के इस खास वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। व्यास पीठ पर बैठने वाले एक साधु की ये सच्ची घटना है। व्यास पीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर चले जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था, वो हमेशा कहते थे आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से ये बात उन्होंने सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में ये सब चलता रहा, ये बात पूछे या ना पूछे। लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वो सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं। सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी राम कथा चलती है वहाँ हनुमान जी उसे सुनने जरूर आते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो वो बोला ऐसी बात नहीं बनेगी, यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती तो फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना होगा। इस प्रकार दोनों के बीच खूब वाद विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए। उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना चाहिए और उसके बाद कल इसे वापस ले आना। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हनुमान जी नहीं आते, और यदि नहीं उठा पाए तो उसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आते हैं। इस शर्त को मानने के लिए वो दोनों ही तैयार थे। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा। संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी की नौकरी करने लगूंगा। इस तरह की प्रतियोगिता का नाम पूरे शहर के अंदर फैल गया था। जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं भी आते थे वो आज देखने के लिए आए थे कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की ये परीक्षा कितनी सच्ची होगी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रख दी गई। साधु बोले आइए महाराज हनुमान जी पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया। उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले सचमुच आपकी भक्ति में सच्चाई है और शक्ति है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर। इस तरह वैज्ञानिक का घमंड टूटा और साधु के वचनों की रक्षा भी हो गई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।